नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में, और वो भी मुफ्त में। देश में अगर आपको कहीं जाना है या फिर हम कहें कि आपको यात्रा करना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आता होगा, ट्रेन में टिकट है या फिर नहीं है। सबसे पहले हम लोग IRCTC की वेबसाइट पर जाते हैं और टिकट को सर्च करते हैं। इस बात से यह प्रतीत होता है कि हम जो है ट्रेन में सफ़र करना आरामदायक समझते हैं और हमारे लिए यह किफ़ायती भी है। इसलिए हमारे दिमाग में सबसे पहले जो बात आती है वो है ट्रेन या फिर रेलवे। हम सभी लोगों ने ट्रेन में यात्रा तो ज़रूर किया होगा। आज के ज़माने में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेन में यात्रा नहीं किया होगा। आपको बता दें कि जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आपको कई तरह की सुविधाएँ मिलती है, वह भी फ्री में। आगे हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। जब आप कहीं जाने के लिए ट्रेन में टिकट लेते हैं तो आप सिर्फ वहां जाने के लिए टिकट नहीं लेते हैं, यानी कि आपको वह सीट ही सिर्फ नहीं मिलती है, इसके साथ साथ आपको कई तरह की भी सुविधाएं मिलती है। इन सुविधाओं पर आपका पूरा अधिकार होता है कि आपका उसका लाभ उठा सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप ट्रेन में यात्रा की शुरुआत करेंगे तो अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल जरूर करें। तो चलिए आगे हम विस्तार से जानेंगे इस पूरे प्रक्रिया को बारे में। वेटिंग रूम, जब आप यात्रा के लिए स्टेशन पहुंचेंगे और वहां जाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी ट्रेन लेट है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? या तो आप ट्रेन ज़्यादा देर तक लेट है तो आप अपने घर वापस आ सकते हैं, या फिर आप वेटिंग रूम में जाकर आराम कर सकते हैं। आपको बता दें कि वेटिंग रूम में जाने का अधिकार हर यात्री को मिलता है जिसके पास यात्रा का टिकट है। ऐसे में अगर आप यात्रा के लिए निकलते हैं और आपकी ट्रेन लेट हो तो वेटिंग रूम में आप जा सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा है जो इंश्योरेंस, आप वेटिंग रूम के अलावा IRCTC की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक करते हैं तो आपको इंश्योरेंस के बारे में पूछा जाता है। अगर आपने इस दौरान इंश्योरेंस ले लिया है तो आपसे कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। बता दें कि अगर ट्रेन में किसी तरह की दुर्घटना होती है तो जैसे कि अस्थायी विकलांगता होने पर 10 लाख रुपये या फिर अस्थायी आंशिक विकलांगता होने पर 7.5 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है। अगर किसी यात्री को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है तो उन्हें 2 लाख रुपये तक की राशि दी जाती है। इसके अलावा अगर ट्रेन में चोरी होती है तो ऐसी स्थिति में भी आपको इंश्योरेंस का कवर दिया जाता है। इन सब में सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको यात्रा के दौरान मात्र 49 पैसे में ही यह इंश्योरेंस कवर मिलता है। अगला है फास्ट एंड बॉक्स। ट्रेन में यात्रा के दौरान अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो इस दौरान अगर दवा की ज़रूरत होती है तो आप TT से दवाई की मांग कर सकते हैं। बता दें कि ट्रेन में सफ़र के दौरान हर यात्री को रेलवे की तरफ से यह सुविधा यानी कि यह लाभ जो है वो दिया जाता है। ऐसे में अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत TT से संपर्क करना चाहिए, वो आपको जो है दवा मुहैया उपलब्ध कराएंगे। अगली जो है वो है वाईफाई की सुविधा। भारत सरकार की तरफ से अब लगभग सभी रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी जाने लगी है, यानी कि दी जाने की प्रक्रिया जो है वो चालू है। कई स्टेशनों पे दिए गए हैं, कई स्टेशनों पे अभी कुछ कुछ जगहों पे बाकी है, वह भी मुफ्त में। अगर आप रेलवे स्टेशन पर हैं तो आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन लेट है तो इस दौरान भी आप वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि रेलवे ने अभी देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा बहाल नहीं की है, लेकिन जिन स्टेशनों पर बहाल किया गया है वहां पर मुफ्त में यह सुविधा दी जा रही है। ऐसे में अगर आप रेलवे स्टेशन पर हैं तो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। क्लॉक रूम, ऊपर की तमाम तरह की सुविधाओं के अलावा रेलवे स्टेशन पर एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा मुहैया कराई जाती है और वह है क्लॉक रूम का। दरअसल आप इस रूम का इस्तेमाल सामान को रखने के रूप में कर सकते हैं। इसके लिए एक शर्त यह है कि आपके पास ट्रेन की यात्रा से जुड़ी हुई टिकट होनी चाहिए। अगर आपके पास यात्रा से जुड़ी हुई वैलिड टिकट है तो आप इसका पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं। आप अपना सामान वहाँ पर रख सकते हैं और वो जो है सेफ होने वाला है। तो इस तरह से अगर आप रेलवे से यात्रा कर रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में यात्रा करने वाले हैं तो आपको रेलवे द्वारा मिलने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि यह जो है रेलवे की तरफ से मुफ्त में दिया जाता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।